फ्रेंड्स, मैं एकता एकम रूप से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज काफ़ी दिन बाद आपकी काफ़ी डिमांड के ऊपर मैं लेके आई हूँ पंचकुला की एक प्रॉपर्टी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पंचकुला में मेरे पास फ्लोर जो अवेलेबल हैं वो अलग अलग साइजेज़ में अवेलेबल हैं, तो अलग अलग साइजेज में अवेलेबल होने की बजाय सबके प्राइजेस, सबके सेक्टर बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। बात करती हूँ आज की प्रॉपर्टी की। आज जो मैं फ्लोर आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ, ये मेरा फ्लोर जो है 14 मरले के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। मेरे पीछे आप ये जो पूरा एलिवेशन देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट एलिवेशन है, एग्जैक्ट रेडी टू मूव इन्वेंट्री जो है वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साइज मैंने आपको बता दिया, 14 मरले में मेरे पास ये 3 बेडरूम विद सर्वेंट रूम या स्टडी रूम, जो भी आप उसको बनाना चाहेंगे वो आगे चल के वीडियो में आपको क्लियरली हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करूँ इसकी लोकेशन की, सेक्टर 17 पंचकुला की मेरी ये प्रॉपर्टी पड़ती है। 17 की अगर मैं बात करूँ, सबको एक आइडिया है कि सेक्टर 17 चंडीगढ़ से बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पे है। अगर आपको यहाँ से डेली चंडीगढ़ आना जाना है तो आपको हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप चंडीगढ़ में एंटर हो जाएंगे। तो पंचकुला का बिल्कुल इनिशियल, जो चंडीगढ़ के बिल्कुल इनिशियल सेक्टर्स में एक सेक्टर आता है मेरा, ये सेक्टर 17 हुड्डा का सेक्टर है। ये हुड्डा के सेक्टर के अंदर ही आपको ये जो है वो फ्लोर मिल रहा है, S+4 विद लिफ्ट। स्टिल्ट में आपको ये पूरी पार्किंग का एरिया मिलने वाला है, ऊपर 4 फ्लोर रहेंगे और साथ ही साथ लिफ्ट अवेलेबल रहेगी। सबसे पहले जो बात करूंगी वो मैं एंट्री की करूंगी। एंट्री पे आपको एक छोटा गेट यहाँ पे बिल्डर की तरफ से लगा के दिया है, साथ ही साथ वो पूरा स्लाइडिंग डोर आपको मिलने वाला है। अब ये स्लाइडिंग डोर एक तरफ से ओपन नहीं है, इसको भी दोनों तरफ से ओपन करके दिया गया है ताकि जो गाड़ियों की पार्किंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज होने वाली है। नॉर्मली जब यहाँ पे फ्लोर्स में गाड़ियों की पार्किंग की बात आती है तो हर कोई ये कहता है कि 4 से ऊपर गाड़ियाँ जो है वो नहीं लग पाती हैं, लेकिन अगर आप इसकी पूरी विड्थ देख पाएंगे इस टाइम तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो 3 गाड़ियाँ यहाँ पे प्लेस होती हैं। मेरे पीछे पूरी लाइन आप देख पा रहे हैं, इस लाइन में भी अगर आप लगाना चाहें तो 6 गाड़ियाँ, मतलब अगर हम लोग अभी भी इस लोकेशन पे देखें तो इस पूरे स्ट्रेट एरिया में हम 10 गाड़ियों की पार्किंग जो है वो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। बट अगर 2 गाड़ियाँ पर फ्लैट, अगर पर फ्लोर भी हम देखें तो गाड़ियों की पार्किंग बहुत ही ईजी वे से यहाँ पे जो है वो बनाई गई है। पार्किंग का पूरा एरिया आपको फॉल सीलिंग लाइटें और साथ ही साथ यहाँ पे भी स्टोन का पूरा काम करके दिया है, जो लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ वाटर कनेक्शन की। सबके वाटर टैंक्स डिफरेंट रहने वाले हैं, सबका वाटर का जो मोटर का कनेक्शन है वो भी सबका डिफरेंट रहने वाला है, मीटर बॉक्स सबका बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। तो फ्लोर वाइज आपस में आप लोगों का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहने वाले हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप आपस में शेयर कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली लिफ्ट जो चारों फ्लोर्स आपस में शेयर करने वाले हैं। पार्किंग के अलावा स्टिल्ट में हमारे पास यहाँ पे 4 जो है पार्टीशन में आपको यहाँ पे रूम्स दिए जा रहे हैं, छोटे रूम्स दिए जा रहे हैं। आप चाहें तो इसको स्टोर बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने ड्राइवर रूम या सर्वेंट रूम कुछ भी बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पीछे एक कॉमन वॉशरूम भी दिया गया है ताकि जो भी यहाँ पे रहता है, ड्राइवर हो गया, सर्वेंट हो गया, वो इस कॉमन वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने फ्लोर पे। फ्लोर पे जाने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिया करिए। लाइक करते हैं तो साथ साथ शेयर भी कर दीजिए करिए ताकि बाकियों की भी हेल्प हो पाए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और प्लीज़ इंस्टाग्राम आईडी को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। चलिए मेरे साथ लिफ्ट के थ्रू चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे ही हम एंटर करते हैं अपने फ्लोर पे तो यहाँ पे ये आपको पूरा स्टेयरकेस मिलने वाला है। हाइट स्टेयर आपको रहने वाली है, स्टील की आपको यहाँ पे पूरी रेलिंग मिलने वाली है। प्रॉपर यहाँ पे भी आपके पास लाइटिंग का अरेंजमेंट है, साथ ही साथ इस डोर का जो मेरी फ्रंट बालकनी है ना वो काफी वाइड आपको मिलने वाली है, काफी लेंथ में बड़ी मिलने वाली है। स्टेयरकेस में आपका ये प्रोविजन जो यहाँ पे बालकनी के साथ असेस दिया गया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, एक तो आपकी स्टेयरकेस वेंटिलेटेड रहे और साथ ही साथ डे टाइम में यहाँ पे आपको प्रॉपर लाइटिंग अवेलेबल रहे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एंट्री लेते हैं अपने फ्लोर में। जैसे ही आप अपने फ्लोर में एंटर करते हैं, एंटर करते ही मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आ जाता है मेरा ड्राइंग रूम एरिया। काफी अच्छा खुला आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम एरिया मिल रहा है। ड्राइंग रूम एरिया में जो 2-3 चीजें मेन है वो आपको क्या मिल रही है, फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही इटालियन मार्बल लुक में आपको यहाँ पे प्रॉपर फ्लोरिंग मिलने वाली है।
फॉल सीलिंग का काम आप जो अभी वीडियो में देख रहे हैं कि आपको बिल्कुल एज इट इज मिलने वाला है, और 14 मरले का ये जो फ्लोर है इसमें आपको इंटीरियर का काम जो है वो भी लैविश बेसिक आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिया गया है बिल्डर की तरफ से। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रंट बालकनी जो मेरी है वो मेरे स्टेयरकेस के साथ तो अटैच रहने वाली है, ड्राइंग रूम के साथ भी ये मेरी अटैच रहने वाली है, साथ ही साथ मैश डोर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ये बालकनी मैं दिखाऊंगी आपको मेरे फर्स्ट फ्लोर पे। अभी मेरे ड्राइंग रूम के एरिया के पीछे आप ये जो ह्यूज एरिया देख रहे हैं ये एरिया है मेरा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया काफी ज्यादा स्पेशियस है, तो आप चाहे डाइनिंग एरिया के साथ साथ यहाँ पे अपनी फैमिली लॉबी भी बहुत इजीली बना सकते हैं। आपके पास ये पूरा यहाँ पे जो है एलईडी पैनल भी बिल्डर की तरफ से बना के दिया गया है। फॉल सीलिंग इसमें भी आपको कंप्लीट करके दी है, बेसिक काम कुछ भी नहीं किया है, जितना भी काम बिल्डर ने यहाँ पे किया है प्रॉपर लेविश काम आपको यहाँ पे दिया गया है। वॉल पैनलिंग की अगर मैं बात करूँ तो डाइनिंग एरिया में वॉल पैनलिंग का काम भी आपको पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। फैंस आपके लगे हुए हैं तो कोई भी ऐसी चीज आपको यहाँ पे नहीं छेड़नी पड़ेगी जिसमें आपका कोई सिविल वर्क हिलता हो। ये पीछे आप पूरे एरिया में वीडियो में देख पा रहे होंगे 14 मरले का अगर मैंने फ्लोर बोला है तो वो स्पेशियसनेस आपको यहाँ पे फील हो रही थी कि आपको आपको देखने को मिलेगी कि आपके पास कंजस्टेड कोई भी प्लेस नहीं है। ड्राइव डाइनिंग फैमिली लॉबी पूरा अच्छा है, खुला स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट कमिंग टू आवर किचन पार्ट, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ और आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको प्रॉपर नेचुरल लाइट पूरे घर में मिलने वाली है। किचन की भी अगर मैं बात करूँ पैरलर किचन तो आपको मिलने वाली है, लेकिन ये जो बीच में गैप आप देख पा रहे हैं बहुत जगह पे ये आपका मिसिंग रहता है। फ्रिज की अगर मैं स्पेस की बात करूँ फ्रिज के लिए स्पेस तो दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पे बैक साइड पे भी आपका पूरा मार्बल के साथ टाइल वर्क के मतलब फुल कंप्लीट आपको यहाँ पे करके दिया है ताकि कोई भी सीपेज की प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे आए। साथ ही साथ अपर लोअर कैबिनेट्स आपको कंप्लीट रूफ तक दिए गए हैं। चिमनी के पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो चिमनी का पॉइंट भी अच्छे वे से जो है वो बेसिकली नहीं निकाला कि आप चिमनी की पाइप यहाँ से विंडो की तरफ लेके जाएंगे, तो प्रॉपर अच्छा काम यहाँ पे आपको दिया गया है। वेट ड्राई हर तरह का प्रोविजन दिया गया है, कनेक्शन आपके पास बिजली के यहाँ पे भी अवेलेबल है, उसके अलावा माइक्रोवेव ओटीजी के लिए मतलब हर किचन के लिए हर तरह की स्पेस जो आपको चाहिए होती है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। साथ ही साथ ये फुल हाइटेड होने की वजह से किचन में स्टोरेज जो है वो आपकी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, और किचन वेंटिलेटेड भी रहने वाली है क्योंकि किचन से आते हैं हम अपनी रियर बालकनी की तरफ। तो रियर बालकनी है मेरे एक रूम के साथ, नेक्स्ट मेरी किचन के साथ और मेरे सेकेंड रूम के साथ ये अटैच रहने वाली है। विड्थ लेंथ में बहुत अच्छी बालकनी है, आपको सुबह की धूप यहाँ से मिलने वाली है क्योंकि अभी पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है तो यहाँ पीछे आपको ओपन एरिया मिलने वाला है। सुबह और शाम दोनों साइड की धूप आपको जो है वो यहाँ पे नेचुरली मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे ही आपका जो है वॉशिंग एरिया के लिए पॉइंट भी दिया गया, तो आप वॉशिंग एरिया भी यहाँ बना सकते हैं। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टैब आपको किचन वाली साइड भी दी गई है, आप अपना डिश वॉशर लगाना चाहते हैं या कोई भी चीज आप जो अपनी इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। इस फ्लोर पे मेरे पास 3 बेडरूम के साथ साथ एक स्टडी या सर्वेंट रूम या आप स्टोर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्रोविजन आपके पास यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट रूम में आपको दिखाने वाली हूँ, वैसे आप देखिए तो सर्वेंट रूम आपके पास नीचे स्टेट में अवेलेबल है। ये रूम आपका वो रूम हो सकता है जिसमें आप अपनी छोटी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज अगर आपके घर की जैसी फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरे इस फ्लैट का सबसे छोटा रूम है जिसको आप किड्स रूम बनाना चाहें, कोई छोटे बच्चे का रूम बनाना चाहें, स्टोर बनाना चाहते हैं, उसके साथ साथ मेरे इस किड्स बेडरूम को भी अगर आप लेके चलते हैं तो इसका एक्सेस आपको जो है वो मेरे कॉमन मेरे बेडरूम के मास्टर बेडरूम के साथ वॉशरूम के साथ अटैच भी मिलने वाला है। डोर की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, हर जगह आपको जो भी वुडन वर्क करके दिया हुआ है वो पॉलिश वर्क किया हुआ है, तो आपको इंटीरियर्स भी जो है वो बहुत प्यारा इस घर में यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आता है मेरा इस फ्लैट इस फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके पास ये अच्छी खासी स्पेस मेरे बेडरूम की आती है। एलईडी पैनल इस बेडरूम में आपको बिल्कुल कंप्लीट इसी लुक के साथ मिलता है, और ये डोर खुलता है मेरी बैक साइड वाली रियर बालकनी की तरफ।
कबर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, फुल हाइटेड कबर्ड्स स्लाइडिंग डोर के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ ये फुल हाइटेड मिरर भी आपको मिलने वाला है, तो आप अपना ड्रेसिंग भी जो है वो इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। अब इस रूम में भी अगर हम देखें, डोर के साथ साथ ये पूरी ग्लास विंडो आपको मिलने वाली है, नेचुरल लाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके साथ ही रहने वाला है मेरा ये अटैच वॉशरूम, यही वो वॉशरूम था जो मैंने आपको अपने छोटे रूम के साथ भी दिखाया था। इसके साथ इसमें ग्लास पार्टीशन आपको बिल्कुल एज इट इज रहने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ स्पेशियसनेस की, तो आपको वॉशरूम भी काफी अच्छा खासा स्पेशियस मिलने वाला है। वैनिटी इसमें भी आपको बिल्डर की तरफ से बना के दी जा रही है। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम्स की तरफ। जो मेरा फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया है, बीच में आपकी ये किचन आ जाती है, और सेकेंड बेडरूम जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो रूम्स की प्राइवेसी, रूम्स में वॉइस क्लैशिंग बिल्कुल भी आपको नहीं रहती है। अब इस रूम में भी अगर मैं स्पेस की बात करूँ, ये एरिया आपके सिर्फ बेड के लिए अवेलेबल है। एलईडी पैनल की अगर मैं बात करूँ, तो एलईडी पैनल आपको यहाँ पे कम्प्लीटली बिल्कुल एज इट इज ही मिलने वाला है। अब इस रूम की नेक्स्ट जो यूएसपी है वो ये है कि इसका ड्रेसिंग एरिया जो है वो यहाँ पे आ जाता है, वार्डरोब एरिया। तो वार्डरोब में भी आपको फुल हाइटेड स्लाइडिंग वार्डरोब्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ये पूरा कबर्ड एरिया आपको यहाँ पे स्टोरेज के लिए मिल रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पे ड्रेसिंग भी जो है वो आपका पूरा कंप्लीट रहने वाला है। नीचे ड्रॉर्स होंगे, साइड पे कैबिनेट होगी, तो आपके पास यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी स्पेस है, और ड्रेसिंग एरिया भी आपका यहाँ पे कंप्लीट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉशरूम की भी। अगर मैं बात करूँ, फुल हाइटेड टाइल्स के साथ आपको जो है बिल्कुल सेपरेट जो है वॉशरूम मिलने वाला है। वैनिटी उसके अलावा प्रीमियम बार फिटिंग से सारी वॉशरूम में आपकी रहने वाली है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। अभी तक मैंने आपको दो बेडरूम्स दिखाए हैं, दो वॉशरूम्स दिखाए हैं, और साथ में एक रूम मैंने आपको ऐसा दिखाया है जिसमें आप अपना स्टडी रूम, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, या फिर किसी छोटे बच्चे का किड्स रूम बनाना चाहते हैं, प्ले एरिया बनाना चाहते हैं, तो आपके पास वो स्पेस भी बहुत अच्छे से है। अगर मैं अपने थर्ड बेडरूम की बात करूँ, तो मेरा थर्ड बेडरूम मेरे ड्राई डाइनिंग के साथ मेरी फ्रंट बालकनी के साथ रहने वाला है। इस बेडरूम में भी आपको बहुत अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। जितने मेरे रूम्स आपने देखे हैं उसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम, फैंस वो एज इट इज ही लगे हुए मिलेंगे। इसमें भी एलईडी आपको जो है वो बना के दी जा रही है बिल्डर की तरफ से, और इस रूम का वार्डरोब एरिया भी आपको बिल्कुल सेपरेट मिलने वाला है। तो एक साइड आपके स्लाइडिंग डोर के साथ ये पूरा वार्डरोब का एरिया रहने वाला है, दूसरी साइड आपके पास यहाँ पे हैंगर्स। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो यहाँ पे बिल्डर ने बनाई है, आपके बड़े क्लोथ्स के लिए, कोट पैंट्स के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। ड्रेसिंग यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट ड्रेसिंग आपको मिलने वाला है, रहने वाला है इस फ्लोर के थर्ड बेडरूम के साथ मेरा ये थर्ड वॉशरूम, जिसमें आपको ग्लास पार्टीशन, वैनिटी, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली है। इनफैक्ट हर वॉशरूम में भी आपको फैन के साथ साथ एग्जॉस्ट फैन बिल्डर की तरफ से लगा के दिया जाता है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी ये फ्रंट बालकनी, जो कि मेरे इस बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। साथ ही साथ मेरे ड्राइंग रूम के साथ भी मेरी ये बालकनी अटैच रहने वाली है, और ये मेरी बालकनी जो है मेरे स्टेयरकेस के साथ भी, यही बालकनी जो है वो रनिंग में पूरी आपको मिलने वाली है। प्रॉपर डेक एरिया अगर हम इसको बोलें, तो ये डेक एरिया आपको मेरे इस फ्लोर पे मिलने वाला है पर्टिकुलर, और साथ में मेरे पास सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे भी ये सारी चीजें, ये सारा फ्लोर आपको इसी फिनिशिंग के साथ मिलने वाला है। फ्लोर जो आज मैंने अभी आपको दिखाया है 17 सेक्टर में, मेरे पास ये फ्लोर रेडी टू मूव में आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी और सेक्टर को कंसीडर कर रहे थे, तो मैं आपको यहाँ पे एक और छोटा सा सरप्राइज देना चाहती हूँ। सेम साइज में, 14 मरले में, सेम लेआउट के साथ मेरे पास यही फ्लोर रेडी हो रहे हैं सेक्टर 8 में। अभी वो इस स्टेज पे है जिसमें आपको जो फिनिशिंग है वो 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसमें भी पजेशन मिलने वाला है। तो आज आपके पास एक ही प्रॉपर्टी में दो सेक्टर्स अवेलेबल है, 17 सेक्टर, 14 मरले, जो मैंने आपको रेडी टू मूव दिखाया है। आप सेक्टर में सेम 14 मरले लेआउट सेम रहेगा, जिसमें आपको 6 मंथ के अंदर जो है वो पजेशन मिलने वाली है, और वो इस स्टेज पे अवेलेबल है जहाँ पे अगर आप बहुत छोटे मोटे कुछ कॉस्मेटिक चेंज करवाना चाहते हैं, तो हम वो बिल्डर के साथ बात करके ही आपको आगे उसके लिए फर्दर जो है वो बता सकते हैं। तो मेरे पास आज आपके लिए दो तरह के फ्लोर अवेलेबल है, 14
14 मरले 17 सेक्टर रेडी टू मूव, 14 मरले 8 सेक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन में 6 महीने के साथ में पोजेशन। स्पेस मैंने आपको दिखा दी है, प्रॉपर 14 मरले वाली लुक आपको, स्पेस आपको, वेंटिलेशन साथ ही साथ नेचुरल लाइट आपको मिलने वाली है, फ्रंट रेयर बालकनी आपको वाइड मिलने वाली है, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के साथ साथ ड्राई डाइनिंग लॉबी मिलने वाला है, और साथ में आपको एक छोटा किड रूम और स्टेंट एरिया में एक सर्वेंट रूम भी मिलने वाला है। तो रेडी टू मूव इन्वेंट्री मैंने आपको जो दिखाई है 17 सेक्टर वाली, अगर मैं बात करूँ इसकी कॉस्टिंग की तो मेरे पास ये 2,85,00,000 से शुरू होकर 3.5 करोड़ तक अवेलेबल है। फ्लोर वाइज सबके प्राइजेस बिल्कुल डिफरेंट है, 2.85 to 3.50। अगर बात करूं मैं 8 सेक्टर की जिसमें आपको पोजीशन मिलने वाला है 6 मंथ के अंदर, तो वहां पे सेक्टर डिफरेंस भी आ जाता है, लोकेशन का भी डिफरेंस आ जाता है, तो प्राइस का भी डेफिनेटली उसमें डिफरेंस रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कॉल अगर आप 8 सेक्टर के कंसीडर करते हैं, और ये तो रेडी टू मूव है ही है, और अगर आप रेडी टू मूव कंसीडर करना चाहते थे चंडीगढ़ के बिल्कुल नियर बाय लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी जाइए इस नंबर पे कॉल करिए, नंबर आपके पास नीचे मेंशन है 9111555255 पे, और इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान करिए रेडी टू मूव इन्वेंट्रीज को। अगर आप 1 महीने बाद भी कॉल करके पूछते हैं तो काफ़ी टाइम वो इन्वेंट्री जो है वो निकल जाती है, तो प्लीज़ वेट मत किया कीजिए, जल्दी जाइए इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान करिए, हुडा के सेक्टर के अंदर, सेक्टर 17 नियर बाय चंडीगढ़, जल्दी जाइए और कॉल करिए। थैंक यू सो मच।